अब लेसो टूल को यूज करने का तरीका ये होता है कि जैसे लेट्स सपोज ये बैग है और ये बैग सिलेक्ट करना है, तो देखिए हम यहाँ पे लेसो टूल को यूज करते हैं, ये फ्री फॉर्म सिलेक्ट है। जैसे ही लेंगे लेसो टूल तो ये हमारे पास चार ऑप्शन हर सिलेक्शन टूल के साथ आ रहे होते हैं। ये सिलेक्शन होता है न्यू सिलेक्शन, मतलब जब भी आप कोई टूल से एरिया सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा, और दूसरा एरिया सिलेक्ट करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा और ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर होता है एड सिलेक्शन, मतलब ये ले लिया तो जो सिलेक्टेड है उसमें हमने मजीद ऐड कर दिया और मजीद ऐड कर दिया और मजीद ऐड कर दिया और मजीद, इस तरह अपना सिलेक्शन एक्सपेंड होता रहेगा। फिर होता है आई थिंक सो सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, जैसे अगर आपने इसको ऐसे करके इस एरिया में से इसको सिलेक्ट कर दिया तो जो हिस्सा सिलेक्शन के अंदर आया उसको इसने सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखें अगर मुझे ये हिस्सा निकालना है सिलेक्शन में से, ये हिस्सा निकालना है तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन के अंदर ले लूंगा, तो इसने वो हिस्सा भी इसमें से निकाल दिया। फिर है इसके अंदर जाके इंटरसेक्ट सिलेक्शन, मिसाल के तौर पे ये सिलेक्शन के अंदर से हमने इस एरिया को इस तरह से ऐड किया तो जो इंटरसेक्शन में आया वो बच गया और जो इंटरसेक्शन से बाहर था वो सिलेक्शन रिमूव हो गया, ठीक है। और सिलेक्शन खत्म करने के लिए सेलेक्ट करके डीसेलेक्ट कर दिया, अब दोबारा जाए न्यू सेलेक्ट पे। अब मिसाल के तौर पे इसको मुझे सेलेक्ट करना है, लेकिन मैं इसको जल्दी से कैसे सेलेक्ट करूं, भाई एक तरीका तो यही है कि मैंने यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल लिया और ये इस तरह से जल्दी जल्दी से सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, ये भी सिलेक्ट हो गया इस तरीके से। अब इसमें कुछ एजेस आ गए इसके, अब उन एजेस को कवर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे कि ये चीज़ें सही सेलेक्ट नहीं हो सकी तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ लेसो टूल। लेसो टूल का यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एड सिलेक्शन, और एड सिलेक्शन करके जो एरिया कवर नहीं हुआ वो उसको मैं लेसो टूल की मदद से इस तरह से स्पैड कर दूँ, सही है। अब देखें आगे, जैसे कि ये वाला जो इसका ये ऐड करना है तो ये जल्दी से ऐड करना है, तो ये मैंने ले लिया यहाँ से क्विक सिलेक्शन और ये इसके अंदर ऐड हो गया, ठीक है। अब ये तो बिल्कुल सही हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया, इसको कैसे निकालूंगा, लेसो टूल लूंगा और यहां से लूंगा सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन लिया, थोड़ा जूम किया और ये हिस्सा लेके मैंने इसमें से रिमूव कर दिया, ठीक है। और ये हिस्सा मुझे ऐड करना है तो क्या करूंगा, ऐड सिलेक्शन और यहां से इस हिस्से को यहां से इजीली मैंने ऐड कर दिया, इस तरह से। और ये हिस्सा निकालना है तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ये वाला हिस्सा मुझे ऐड करना है इसमें, तो इसकी शॉर्ट की भी है, जैसे बार बार अगर आपको यहाँ ऐड करने में और सब्ट्रैक्ट करने में जाना पड़ रहा है तो स्लैश लेसो टूल ले ले, अगर आपको ऐड करना है तो होल्ड करें शिफ्ट को, तो देखें ऑटोमेटिकली इधर चला जाएगा, ये होल्ड करें शिफ्ट को और फिर इसको ऐड हो गया, ये देखें इसके अंदर ऐड हो गया। अब कुछ हिस्सा निकालना है अगर ज्यादा आ गया है तो ऑल्टर शिफ्ट, शिफ्ट से ऐड हो रहा है, ऑल्टर से एक्सट्रैक्ट होगा, ये सेंस है। शिफ्ट को होल्ड किया मैंने, शिफ्ट को होल्ड किया मैंने, शिफ्ट को होल्ड किया, और ये शिफ्ट को होल्ड किया मैंने,
अब ये ऑल्टर के साथ मैंने इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। और ये जो एरियाज हैं इसके, ये मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्विक सिलेक्शन यूज को यूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या करना है, आप यही लेना है और यहाँ पे जिस चीज को ऐड करना है ऑलरेडी ऐड ही है, कुछ निकालना है तो अल्टर के साथ मैंने डाल दिया थोड़ा सा, ओके, ये अल्टर के साथ निकालना पड़ेगा थोड़ा सा इसका, ठीक है। तो देखें इस तरह से अभी आप कुछ एरियाज को अल्टर के साथ रिमूव कर सकते हैं। तो ये इस तरह से देखें हमने इस बैग का सिलेक्शन कंप्लीट कर लिया एज इस समय। कंट्रोल सी करेंगे और फिर हमें जहां रिक्वायर्ड है कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट हो गया। यहां पे ले जाके हमने इसको इस तरीके से एडजस्ट कर दिया, ठीक है। और अब ये इसके साथ एडजस्ट हो ही रहा है तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें, इसको नीचे कर दें, इसके ऊपर कर दें इसको, ये इस तरह से आप कोई भी चीज ले जाके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप इसके अंदर फोटोशॉप में ये सिलेक्शन टूल की मदद से कर रहे होते हैं। अब आता है मैग्नेटिक लेसो टूल।